आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पटना में आरजेडी दफ्तर में ही हंगामा खड़ा कर दिया। शनिवार को उनका गुस्सा आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर फूट पड़ा। और अभी तक इन्होंने आजाद पत्र नहीं लिखा है, आप जा करके उनसे पूछिए। पार्टी के भी कुछ विधायक और नेता यह आरोप लगाते हैं कि हाँ तो उनको मनमानी करते हैं, उन्हें आने नहीं देते हैं पार्टी। अब इनसे पूछिए क्या लगता है, अब ये बताएंगे हम क्या बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये बताएंगे आप। हम तो पांच पांच बार आए पता लो जो स्लिप लगाई, जबकि हम नवासी से लालू जी के ये तरीके का स्लिप हो गया। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। अंदाज वैसा जैसे कोई उड़न दस्ता छापा मारने पहुंचा हो, तेवर ऐसा कि जैसे किसी को गलती करते पकड़ लिया हो। अब जा करके उनसे पूछिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी के बिहार अध्यक्ष और कद्दावर नेता जगदानंद सिंह पर बरस रहे थे। इनके करने से पार्टी का नुकसान हुआ है, गरीब का पार्टी है, गरीब का। आज भी गरीब साथ में है, पूरे देश भर का जितना गरीब है वो आज भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसके साथ है पूरे तरीके से। आप खुद देखिए, आप जाकर के यहाँ पे जो आएगा अपॉइंटमेंट लेके आएगा, ये आम जनता का पार्टी है, आम जनता का, यहाँ कोई भी आ सकता है। अब तक आपने तेज प्रताप के गुस्से की दो वजहें तो उनसे सुन ही ली। पहली ये कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जेल से रिहाई के कैंपेन के तहत जिस आजाद पत्र पर तेज प्रताप अपने नेताओं और लालू समर्थकों से दस्तखत करवा रही हैं, उस पर जगदानंद सिंह ने दस्तखत नहीं किया है। तेज प्रताप की नाराजगी की दूसरी वजह है कि कथित तौर पर आरजेडी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को अपॉइंटमेंट लेकर जगदानंद सिंह से मिलना पड़ता है, लेकिन तेज प्रताप का गुस्सा क्यों इतना भड़का इसकी एक और वजह उन्हीं से सुन लीजिए। रामचंद्र पूर्वे थे तभी ऐसा होता था क्या? वो थे तो नहीं होता था, वो थे तो नहीं होता था। हम भी आते थे, वो तो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पे आते थे। सबकी बातों को सुने, सबकी होना ही चाहिए, जो समाज के बीच में हो, जो नहीं बोले विधायकों की अपॉइंटमेंट लेकर के आओ। अभी हम देखिए, माननीय विधायक हैं, हम हसनपुर से विधायक हैं, अभी तक वो हमको रिसीव करने नहीं आए। तो तेज प्रताप को ये भी खल गया कि जगदानंद सिंह ने उनकी अगवानी नहीं की। पार्टी की तमाम समस्याओं के लिए तेज प्रताप ने जगदानंद को सीधे जिम्मेदार भी ठहराया। अगर लोग समाज में उनको जानते हैं, यार ये तो लालू जी के ऊपर टिका टिप्पणी करने वाला नेता है, इसी के रूप में जानते हैं। हालांकि जब तेज प्रताप हंगामा करके चले गए, तब लालू के पुराने सहयोगी जगदानंद सिंह को कहना पड़ा कि सब घर की बात है, तेज प्रताप से वो बात कर लेंगे। आपसे नाराज है? हमसे कोई नाराज नहीं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, उन्होंने कहा है कि आप मनमानी चला रहे हैं पार्टी में। हम किसी से नाराज हैं आना, हमसे कोई नाराज है वो आप लोगों को कहीं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर आए, आप उनसे मिलने नहीं गए वहाँ पे, आप विधायकों को आने नहीं देते हैं, कब पार्टी कार्यालय में पर्चा भरे के वो आते हैं, तमाम आरोप लगाए आप पर। हुआ होगा, बात कर लेंगे, पार्टी के भीतर की बात है, आपसे नहीं ना हम कर सकते। जगदानंद सिंह को तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। ऐसे में तेज प्रताप के हंगामे ने आरजेडी की फूट को उजागर कर दिया है। सुजीत गुप्ता, पटना, आज तक।